हमको प्रोडक्ट तो खरीदना होता है, बट हम क्या करते हैं, हम 6-8 महीने पहले जाते हैं और प्राइसिंग पता करते हैं। आप भी उनमें से एक तो नहीं है। कब आपको प्राइस सही समय में पता करना चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लाज। मेरा नाम है गिरिराज। सो बेसिकली अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमारे रिटेल स्टोर में एक बंदा आया और उसने क्या किया, प्रोडक्ट पूरा समझा, देखा, यू नो, हर चीज़ उसने इंक्वायरी की। उसके बाद बोला, सर मुझे है ना अगली गर्मी के पहले लेना है। अब गर्मी देखी जाए तो 8 महीना है या 9 महीना है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 9 महीने बाद सेम प्राइस में रहेगा? तो इसमें क्या होता है, आप दो चीज़ का नुकसान करें। एक तो आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो उनको बॉदर कर रहे हो। दूसरा क्या हो रहा है, आज तो आप प्राइस के हिसाब से बजट लेके चले आ रहे हो, बट क्या भरोसा कल प्राइस ऊपर हो जाए, कल प्राइस नीचे भी हो जाए इनफैक्ट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपको क्या करना चाहिए पता है, अगर आपको प्रोडक्ट 1 महीने बाद खरीदना है तो कोशिश करें कि उसको विद इन अ मंथ प्राइस पीरियड में पता करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आप समझ रहे हैं, 1 से 5 के बीच में कभी भी प्राइस बदल सकती है। वही अगर आप मिड ऑफ द मंथ में जाओगे तो यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि प्राइस में चेंज आएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप अगले महीने खरीदना चाह रहे हो या अगले इस मंथ के एंड में खरीदना चाह रहे हो तो आप इस मंथ जाके प्राइस को पता कर सकते हो, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो आपका नुकसान है, प्राइस कम हो गया तो आपका फ़ायदा है। मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि प्राइस में कुछ ना कुछ कंसेंट आता है और कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, वो जो कस्टमर आए थे वो एसी के लिए आए थे, और यूजुअली जैसा मैंने बताया एसी और फ्रिजेस या इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे वॉशिंग मशीन की प्राइसेस बढ़ती है, और इस बार तो ये भी देखा गया कि टीवी की भी प्राइस बढ़ी है। तो कोशिश करें अपना समय बर्बाद ना करें, आपको जब लेना जाना हो तो उसके 1 महीने पहले ही पता करें। और अगर आपको पता भी करना है, 6 महीने पहले बजट भी निकालना है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, वो आपको बॉदर करेगी। रिटेल स्टोर या कोई भी दुकानदार आपको बताने में तो हिचकिचाएगा नहीं, मगर उसमें आपका लॉस है, क्योंकि आप परिवार को भी बॉदर कर रहे हो, आप अपने बच्चे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको एक ड्रीम दिखा रहे हो और फिर आप तुरंत नहीं ले रहे हो, और उनको मन में आ रहा है कि आप अभी तुरंत खरीद रहे हो। ये मुझे छोटी सी चीज़ लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, देखिए समझे फिर खरीदो। थैंक यू।